ओम शांति की याद की यात्रा का चार्ट अपने लिए रख लो यानी अपनी चेकिंग जरूर कर लो अपना चार्ट रखो स्वयं के लिए रखते हैं चाट पर हम अलबेले हो जाते हैं चार्ट रखने में अलबेला आ जाता है फिर अटेंशन कहाँ रहेगा फिर प्रोग्रेस कैसे होगी फिर सफलता नहीं मिलेगी दिल शिकस्ती आएगी अलबेलापन आएगा आलस्य आएगा शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं यूज भी हम बड़ा आराम से कर लेते हैं ब्राह्मण जीवन है ना ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके ज्ञान बड़ा अच्छा सुना लेते हैं पर अपनी चेकिंग नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं इसीलिए जो बोल दूसरों को डिस्टर्ब करें और अगर वही बोल हम अपने लिए भी लगा लें तो उसको ऐसा करो अपने जीवन से हटा ही दो वरना होता क्या है जो आप आज किसी को दे रहे हो आपको भी पलट के मिलना जरूर है जैसे बोल आप बोलोगे दूसरों के साथ वो आपके पास भी आने है जरूर है ये तो लॉ है ना जो दोगे वो मिलेगा जरूर इसीलिए बाबा संगम पर सिखाते हैं कि आपको देना क्या है ताकि पलटकर आपके पास अच्छे से अच्छा ही आए अब ये भगवान ने हमें शिक्षा दे दी ज्ञान दे दिया अब योग होगा ताकत आएगी शक्ति होगी तो ऑटोमेटिकली उन सब चीजों का प्रयोग कर पाएंगे तो सफलता मिलेगी फिर खुशी होगी फिर नशा आएगा अनुभव बढ़ेंगे तो जीवन स्मूथ लगेगा वरना आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है कुछ हो ही नहीं रहा है हो तो सब कुछ रहा होता है पर हम ही नहीं चल रहे होते क्योंकि याद की यात्रा नहीं है तो बहुत धीरे धीरे करते करते एकदम निरस नीरस जीवन होता है वरना संगम पर तो हर घड़ी बीती रही है अगर हम चार्ट रखते हैं तो अटेंशन किसके ऊपर जाता है हमारा खुद पर जाता है कि हम चार्ट में लिखें क्या हमने कुछ किया ही नहीं फिर कहीं बड़े आराम से कहते डेली वही होता है यानी कि डेली जो होता है वो याद की यात्रा तो नहीं होती है नहीं तो अगर हो तो आपको डेली लिखने में भी अच्छा लगेगा